देखिए, और अगर जब हमने सीरत पढ़ना शुरू किया है तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि सीरत तैयबा की मुकम्मल सूरत गिरी उस वक्त तक हो ही नहीं सकती जब तक कि हम इस बात को नहीं समझे कि ये पैगाम किस हालात में और किस जगह पर किस हालात में नाजिल हुआ है। सिंपल सी बात है कि अंधेरे को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रोशनी क्या होती है, या फिर अगर आपको दिन का पूरा मजा लेना है तो आपको पता होना चाहिए कि रात कैसी थी, या काले से सफेद का फर्क पता होना चाहिए। जब ही हम उन चीजों को अप्रिशिएट कर सकेंगे ना, जब ही हमको ये पता चलेगा कि वो जो चीज है वो कितनी बेहतरीन है। तो यहाँ पर मैं आपको जो अंधेरे उस वक्त फैले हुए थे, यानी पूरे अरब में जो हालात थे और जिस तरह से वो लोग जिंदगियां गुजार रहे थे, वो कैसे हालात थे, इंशाल्लाह सबसे पहले हम लोग वो पढ़ते हैं। देखिए, अरब का जो अगर आप देखेंगे कि जो ज्योग्राफिकल फीचर है उसका, अरब एक जजीरा है, आपको पता है कि वो तीन तरफ से तो पानी है उसके और एक साइड से लैंड से कनेक्टेड है। तो और वैसे वो जजीरा होने के बावजूद एक पूरा ऐसा सहरा की तरह एक पूरा डिजर्ट एरिया है, पूरे चारों उसमें चारों तरफ रेगिस्तान की तरह है। तो एक साइड पे उसमें रेड सी है, दूसरी तरफ गल्फ है, इराक का जो है वो वाला है, फिर तीसरी तरफ जो नॉर्थ में है वो शाम वगैरह ये सब कंट्रीज है, और साउथ में अरेबियन सी है। तो ये मतलब इसका ज्योग्राफिकल फीचर ऐसा है कि ये एकदम ऐसा जैसे चारों तरफ से एक किले के अंदर बंद सा है, क्योंकि चारों तरफ डेजर्ट है और बीच में आबादी है ये। और इसी वजह से जो इसके जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा प्योर और बाकी दुनिया की चीजों से अलग रहे। हमेशा से अल्लाह ताला ने इन लोगों को एक अलग तरीके से इनकी नशोनुमा की है, जबकि रोमन्स और पर्शियन इनके काफी करीब है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जुनूब में और शुमाल में इससे कनेक्टेड है ये दूसरे मुल्कों से, लेकिन फिर भी उसमें एक हदबंदी है, एक डेजर्ट की हदबंदी की है अल्लाह ताला ने। अब ये भी नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से उससे दुनिया से कटके था, अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। ये जो शुमाली गोशा है उसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ से ये अफ्रीका से ऐसे जैसे अफ्रीका में दाखिल होने का दरवाजा है, नॉर्थ में ये यूरोपियन कंट्रीज से जुड़ा हुआ है, वेस्ट में इराक और ये जो ये सब ईरान वगैरह हमें दिख रहा है यहाँ से जुड़ा हुआ है, और नीचे से अरेबियन सी और जो ये इंडियन ओशियन की तरफ से ये बाकी सारी कॉन्टिनेंट से भी जुड़ा हुआ है। हमको पता है कि जब वास्को डे गामा इंडिया आया था उससे पहले उसने वहां पर अरबों के जहाज समंदर पे केरला में लंगर अंदाज हुए हुए देखे थे, और वहां से जो काली मिर्च वगैरह की बिजनेस वहां से होता था, यानी कि बहुत पहले से अरबी पूरी दुनिया से जुड़े हुए थे। ऐसा नहीं था कि अलग से कटके थे, लेकिन ये हुआ इनकी ये चारों तरफ से डेजर्ट से सराउंडिंग होने की वजह से ये अच्छा हुआ कि दूसरी कौमें इन पर हावी नहीं हो पाई, बल्कि अलग ही अलग रही। फिर देखेंगे हम कि अरब में जो रहने वाले लोग थे वो खास तौर पर तीन किस्म के लोग थे, मतलब जो हमको हिस्टोरियंस बताते हैं वो तीन तरीके के लोगों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले अरबे बाइदा, ये एक्सटिंक्ट अरब हैं जो कि अब ये नस्ल नहीं है, अब इसका कुछ आसार वगैरह थोड़े हैं लेकिन इसकी कुछ ज्यादा खबरें हमें नहीं पता चलती है। जैसे आद, समूद, अमालिकी वगैरह जो हैं ये लोग एक्सटिंक्ट अरब हैं, अरबे बाइदा में से हैं। फिर दूसरी जो चीज थी वो अरबे आरिबा है, ये प्योर अरब से हैं, यानी के और वैसे इनको कहतानी अरब भी कहा जाता है। ये लोग हमेशा से वहीं पर रहे और हमेशा से ये प्योर अरब से अरबी बोलने वाले लोग थे। फिर अरब मुस्तारिबा, ये जो लोग हैं ये बाहर से आकर अरब में बसे। ये कौन लोग हैं जो बाहर से आए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं ये, इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। हमको ये बात पता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो अरब में नहीं रहा करते थे, बल्कि वो कहाँ रहते थे? फलस्तीन के पास से हिजरत करके वो यहाँ पर आए थे। और जो अरब आरिबा यानी जो प्योर अरब है, उनका जो मेन रहने की जगह थी वो थी यमन। देखिए, आपको पता है जो भी सिविलाइजेशन परवान चढ़ती है वो खास तौर पे देखेंगे आप कोस्टल एरिया जो समंदरी समंदर के किनारे होते हैं उस जगह पे पहले लोग आबाद हुआ करते थे। तो ये जो प्योर अरब हैं, अरब आरिबा वाले, ये लोग अपना यमन में ये लोग
आबाद थे। और इसमें उनकी बहुत सारी जैसे कहलान वगैरह ये सारे मैंने आपको बताया कि उन्हीं की शाखों में से है, तो ये कहतानी और ये सब वहीं के लोग हैं। फिर और भी बहुत सारी थी। फिर अरब मुस्तारिबा, ये मैंने आपको बताया कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक के शहर ऊर के बाशिंदे थे। आपको पता है वहां पर नमरूद था, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ में उसने जो भी मामला किया, और आखिरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकलकर हिजरत कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन गए। फिर वहां से सफर करते हुए एक पूरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सफर है, और आखिर में उन्होंने लाकर अपने बेटे और अपनी बीवी को यहाँ पर बसा दिया, मक्का के पास एक जगह पर बसा दिया। और ये जो है जैसे मैंने आपको बताया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले निकले और वो हिजरत करके हाजान करके एक जगह है वहां पर गए जो फलस्तीन के पास है, और उधर उन्होंने अपनी तमाम पैगंबराना सरगर्मियों का मरकज बनाया। यानी कि जो भी दावत और तबलीग का और दीन का काम हो रहा था सबसे पहले हजान में से हुआ, और उनका मरकज वो था। लेकिन जब वो वहां पर फलस्तीन में थे तो उधर ही उधर से सफर कर रहे थे, दावत और तबलीग का काम कर रहे थे, तो उनका सफर एक बार इजिप्ट की तरफ, मिस्र की तरफ हुआ। और मिस्र में जो फिरौन था उसने हजरत सारा के बारे में कुछ बहुत सारी बातें सुनी, और उसकी नीयत खराब हो गई। उसने सारा जो थी उनको अपने पास बुलवाया, लेकिन जब उसने उनको देखा तो अल्लाह सुबहान व तआला ने सारा की ऐसी मदद फरमाई कि वो खुद उनको देख कर डर गया और बहुत माफी मांगने लगा। आखिर हालात यहाँ तक पहुंचे कि उसने अपनी बेटी हाजरा को उनकी खिदमत में दे दिया। यानी फिरौन की बेटी हाजरा को उन्होंने सारा को उन्होंने गिफ्ट कर दी। हजरत हाजरा जो थी वो उनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास लेकर आई और उनसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का निकाह करवा दिया। इस वक्त तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी। इंशाल्लाह अभी नहीं, लेकिन कभी वक्त मिलेगा तो हम एक बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी सीरत पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सारा की कोई औलाद नहीं थी, लेकिन अब हाजरा से जब निकाह हुआ है तो वो दोनों को लेकर वापस फलस्तीन गए, और फलस्तीन में अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम की बशारत दी। यानी सबसे पहली औलाद जो हुई है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा से हुए हैं। फिर ये हुआ कि कुछ हालात ऐसे पैदा हुए और कुछ ऐसी बातें हुई कि अल्लाह सुबहान व ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप यहाँ से हिजरत कीजिए और अपनी बीवी और बच्चे को ले जाकर जो एक मस्जिद है वहां पर, जो वादी है जहां पर कुछ भी नहीं है, एक सहरा के अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं था, बैतुल्ला शरीफ के करीब ठहरा दीजिए। और वो अपने बच्चे और अपने बेटे इस्माइल और हाजरा के साथ उन्होंने सफर किया और वो आकर मक्का में ठहर गए। अब देखिए मक्का में जैसे मैंने आपको बताया पूरा रेगिस्तान था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ऐसा था कि सारा कुछ भी नहीं था। सिर्फ वहां पर एक थोड़ा ऊंचा सा टीला था, उभरी हुई सी जमीन थी कि अगर कुछ सैलाब वगैरह आता तो वो पास पास से निकल जाता, लेकिन टीला थोड़ा ऊंचा था और वहां पे एक दरख्त भी था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को और अपनी बीवी को वहां पर छोड़ा और उनको थोड़ी खजूर और पानी वगैरह दिया और वापस पलट कर जाने लगे। तो हाजरा उनके पीछे पीछे गई और जाकर कहा कि आप हमें इस जगह पे कैसे छोड़ रहे हैं, आप हमें इस तरह से छोड़कर कैसे जा सकते हैं। तो इब्राहिम और फिर उन्होंने पूछा कि आपको इसका हुक्म अल्लाह ने दिया है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि हाँ अल्लाह ने मुझे उस हुक्म दिया है, तो वापस पलट कर चली गई। जब मैं इस बात को सुनती हूँ या सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कितनी नेक और फरमाबरदार औरत थी कि जब शौहर ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है तो उसने वापस आर्ग्यूमेंट भी नहीं किया, बल्कि अपने बच्चे के पास चली गई और जाकर वहां पर ही रहने लगी। थोड़े दिन हुए और उनका जो भी खाना पानी वगैरह था वो खत्म हो गया। अब वो बहुत परेशान हो गई, छोटा बच्चा साथ में है, खाने के लिए नहीं है, यहाँ तक कि पीने का पानी भी खत्म हो गया। बहुत परेशान हुई, इतनी परेशान हुई कि यहाँ से वहां दौड़ने लगी कि कहीं से कुछ खाने या पीने के लिए मिल जाए इधर से उधर। यानी जो सफा और मरवा के बीच में उन्होंने जो चक्कर लगाए हैं, जो सही की है, अल्लाह सुबहान व तआला ने आज तक उनके इस अमल को हाजियों के लिए एक मतलब फर्ज करार दिया है कि इस तरह से हज का एक रुकन है वो, कि इस तरह से आपको हज करना है। तो इतना भागी दोनों पहाड़ों के बीच में और बार बार परेशान हो रही थी, तो अल्लाह ताला ने फिर फरिश्ते को भेजा और वहां से जमजम अल्लाह ताला ने निकाल दिया।
फिर इस तरह से जब जमजम निकल गया तो ये हुआ कि एक अच्छा सा ऐसा ओएसिस की तरह बन गया, एक नखलिस्तान की तरह बन गया कि पानी भी था, खाने के लिए खजूर भी थी और वो दोनों माँ बेटे वहां पर आराम से रह रहे थे। थोड़े अरसे बाद जब एक यमन से एक काफिला आया जो जुरहम कबीला था, तो ये जुरहम के जो लोग थे उन्होंने आकर देखा कि इस तरह से ये आ, आ, जो हाजरा और इस्माइल यहाँ रह रहे हैं, तो उन्होंने हाजरा अलैहिस्सलाम हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा से इजाजत ली और वहां पर बस गए। यानी कि अब उन दोनों माँ बेटे के अलावा कौन यहाँ पर आकर रह गया है? जुरहम कबीला। ये खानाबदोश कबीला था, ये हमेशा यहाँ से वहां हिजरत करते रहते थे और अपना जो भी सामान था वो बेचते थे और इस तरह की हिजरत उनकी हुआ करती थी। लेकिन जब इन्होंने ऐसा यहाँ पर देखा तो ये जुरहम कबीला यहाँ पर आकर बस गया। इस बीच में इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो अपने अहल की खबर लेने आया करते थे। हमें अहादीस से और आसार से पता चलता है कि चार ऐसे मौके थे जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आकर इनसे मिले। सबसे पहले तो देखिए वो वाला मौका जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था कि मैं अपने इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिबाह कर रहा हूँ, तब वो वापस यहाँ आए और आकर उन्होंने अपने बेटे को एक ख्वाब सुनाया कि बेटा मैं देखता हूँ कि मैं तुम्हें जिबा कर रहा हूँ। तो बेटे ने कहा था कि अब्बा आप कर दीजिए, आप मुझे फरमा बरदार पाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये काम कर दिया, तब अल्लाह ताला ने कहा, ए इब्राहिम तुमने का ख्वाब को सच कर दिखाया, हम नेकोकारों को इसी तरह बदला देते हैं। ये यकीनन एक खुली हुई आजमाइश थी, अल्लाह ने उन्हें फिदिये में एक अजीम जबीहा अता किया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस आजमाइश पे पूरे उतर गए तो अल्लाह ताला ने उनके लिए एक अजीम जबीहा दिया और वो जो कुर्बानी की शक्ल में आज भी हम वो अमल करते हैं। जो बाइबल की जो बाइबल के जो आसार वगैरह है उसके अंदर पता चलता है कि इसहाक अलैहिस्सलाम उस वक्त तक नहीं थे, और हमको इसहाक अलैहिस्सलाम काफी मतलब इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम से तकरीबन 13 या 15 साल छोटे थे। फिर अल्लाह ताला ने जब ये मामला पेश आया कि उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिबा किया और ये जब सब कुछ हुआ तो अल्लाह ताला ने फिर उसके बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक और बशारत दी, फबशर ना हा भी इसहाका व मिन वरा इसहाक याकूब। सिर्फ इसहाक की नहीं बल्कि याकूब की भी बशारत दे दी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसमें इम्तिहान में इसमें कामयाब हुए तो अल्लाह ताला ने उनको एक और बेटे, फिर हमने उसको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। सिर्फ एक बेटे और नहीं बल्कि पोते के भी नबी होने की बशारत अल्लाह ताला ने उनको दे दी। फिर दूसरी बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उस वक्त उधर आना हुआ जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जुरहम के थोड़े बड़े हो गए थे और जुरहम कबीला वहां रह रहा था, तो हाजरा ने जुरहम कबीले की एक लड़की से इस्माइल अलैहिस्सलाम का निकाह कर दिया था। इस्माइल अलैहिस्सलाम अब अरबी भी सीख चुके थे, बोलना भी सीख चुके थे और उनके साथ रह रहे थे। एक बार उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनसे मिलने के लिए आए, उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम घर में मौजूद नहीं थे, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बहुत शिकायतें की, बहुत शिकायतें की, अपनी तंगदस्ती की, अपनी परेशानियों की, बहुत ज्यादा शिकायत की। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि जब इस्माइल आए तो उनसे कह दीजिएगा कि अपनी चौखट बदल दें। इस वसीयत का मतलब इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ गए। उन्होंने उस बीवी को तलाक दे दी और दूसरी औरत जो कि जुरहम सरदार मजाजे बिन उमरू की साहबजादी थी उनसे निकाह कर लिया। फिर उसके बाद में तीसरी बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आना तब हुआ जब वो उनकी दूसरी शादी हो चुकी थी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मक्का तशरीफ लाए तो उन्होंने वापस आकर बीवी से हाल अहवाल पूछा, तो बहू ने बहुत अल्लाह की हम तो सयना बयान की और बहुत तारीफ की। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वसीयत की कि अपने दरवाजे की चौखट बरकरार रखें और वापस फलस्तीन चले गए। इन दोनों दफा में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुलाकात शायद इस्माइल अलैहिस्सलाम से नहीं हुई। फिर चौथी बार वापस से इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बार और तशरीफ लेकर आए और उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम जमजम के करीब दरख्त के नीचे खड़े थे। जैसे ही उन्होंने अपने वालिद को देखा भागकर उनसे लिपट गए। देखिए जो ये दोनों बाप बेटे का जो ताल्लुक था वो बहुत मजबूत था, उनके बीच का जो बॉन्ड था वो बहुत ज्यादा मजबूत था। हमको पता है कि जब बाप ने आकर पहली बार बेटे से कहा था कि मैं तुम्हें जिबा करना चाहता हूँ तो बेटा एकदम आसानी से तैयार हो गया था। तो जो वो मोहब्बत और वो जो था वो बहुत ज्यादा था दोनों के बीच में।
जैसे ही उन्होंने देखा कि वालिद साहब आए हैं, उन्होंने भाग के उनको गले से लगा लिया और बहुत शफकत और मोहब्बत से पेश आए। फिर इन दोनों ने मिलकर अल्लाह सुभान व ताला के हुक्म पर काबे की जो बुनियादें खोदी, उसकी दीवारें उठाई, और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तमाम दुनिया में हज का ऐलान कर दिया। फिर हमने अल्लाह ताला सूरह हूद की आयत नंबर 71 में फरमाते हैं, फिर हमने इस नहीं हाँ सूरह हज की आयत नंबर 27 में फरमाते हैं, और लोगों को हज के लिए इज्ने आम दे दो, हर दूर दराज मुकाम से पैदल और ऊंटों पर सवार आए। यानी कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कह दिया कि आप हज का हुक्म दे दीजिए और आवाज दे दीजिए, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का में ही खड़े होकर हज का ऐलान कर दिया। कैसे वो ऐलान हुआ होगा, किस तरह से लोगों तक वो खबर गई होगी कि हज का हुक्म दिया गया है। अच्छा, उसके बाद में ये हुआ कि हज फिर उस वक्त से हज स्टार्ट हो गया बैतुल्ला का। देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है उसमें से एक बहुत काबिले जिक्र हस्ती है जिनका नाम केदार है, केदार बिन इस्माइल। ये जो हैं, अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा शजरा नस्ल देखेंगे तो जो केदार के बाद में, जैसे मतलब अदनान और फिर ये सब सिलसिला उनके बेटे, उनके केदार जो हैं वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। फिर एक थोड़ा सा बीच में गैप दिखता है और फिर अदनान का जिक्र आता है कि अदनान एक शख्स है जिनका जिक्र आता है, जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 41वीं 41वीं सिलसिला नस्ल में 41वीं हाँ 41वीं पुश्त पर है, और बीच में सबके नाम नहीं पता चल सके। एक हदीस है जिसका मफहूम है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सिलसिला नस्ल का जिक्र फरमाते हुए कहा, अदनान पर जब भी आप अपना नस्ब बयान करते अदनान पर पहुंच कर रुक जाते, उससे आगे ना बढ़ते, और अगर कोई माहिर निसाब ये कहता है तो वो गलत कहता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इस्माइल अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से कनाना को मुंतखब किया, और कनाना की नस्ल से कुरैश को चुना, फिर कुरैश में से बनू हाशिम का इंतखाब किया, और बनू हाशिम में से मेरा इंतखाब किया। ये मुस्लिम की हदीस है। यानी, और एक और हदीस का मफहूम है कि बेहतरीन लोगों में से मुझे चुना। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नस्ल था। उसके बाद में जो उस वक्त में अरब की जो हुकूमतें और सरदारियां थी उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा पता होना जरूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि उस वक्त पॉलिटिकल हालात कैसे थे उन लोगों के, पॉलिटिकल और माशी हालात उन लोगों के किस किस्म के थे। तो उसके लिए देखिए कि जब इस्लाम के आने से पहले उसमें उस वक्त दो तरीके की हुकूमतें थी, एक तो ताजपोशी था और दूसरा सरदारी थी। ताजपोशी वाली जो हुकूमतें थी वो यहाँ पर यमन, शाम, सबा वगैरह इन सब जगहों पर थी, और बाकी सरदारियां थी। लेकिन सरदारियां ताजपोश बादशाहों से ज्यादा मजबूत थी, क्योंकि वो खुद मुख्तार थे और सभी कुछ उनके अपने अंडर में था। तो इस तरह से था। इसमें भी सबसे ज्यादा जो सबा का जो सबा की जो हुकूमत थी वो सबसे ज्यादा मजबूत थी, और ये हुकूमत थी 650 कब्ल मसीह का दौर था है। यानी जो सबा का दौर था ये 650 कब्ल मसीह का दौर था, और उस वक्त यहाँ पर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा फ्लरिश थे लोग। इनके यहाँ पे इन्होंने डैम बनाए थे बड़े बड़े, और बहुत ज्यादा पैदावार होती थी, और बहुत अच्छे हालात थे इनके, और बहुत सारी आबादियां इन लोगों ने कायम कर ली थी, और इन लोगों ने एक बहुत बड़ा डैम बनाया था। डैम को मारिबा कहा जाता है अरबी में, तो उसको वो मारिबा ही कहते थे, उसके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं रखा था बल्कि इसी नाम से उसको याद करते थे। और फिर उन्होंने वहां पर डैम भी बना लिया था, तो उनका उरूज उस वक्त उनको उरूज हासिल हुआ इस टाइम पे। फिर इनका जो दौर है वो तकरीबन 500 साल रहा, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे इनका भी जवाल आता गया और यहाँ पर ये खत्म हो गए। उसके बाद में 300 ईस्वी में, यानी कि ये पहली ये जो बात थी वो कब्ल मसीह की थी, अब ये ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 300 ईस्वी में ये हुआ कि यहाँ पर यमन में बहुत ज्यादा हलचल हो गई।
पॉलिटिकल बहुत ज्यादा हलचल थी, हर लोग चारों तरफ से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनके यहाँ पे पैदावार थी और उस जमाने में ये लोग बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क था। तो तमाम लोग जितने भी सुपर पावर्स थे उस वक्त के, वो इस जगह पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहते थे। तो बहुत ज्यादा हलचल थी चारों तरफ से, लोग कभी ना कभी कोई ना कोई अपना तसल्लुत कायम करने के लिए यहाँ पर आता जाता रहता था। यहाँ पर रोमियो ने भी अपनी फौजें भेजी, यहाँ पर हबशियों ने भी कब्जा करने की कोशिश की, और इस तरह से बहुत कुछ होता रहा। 450 ईस्वी या 451 ईस्वी में ऐसा हुआ कि ये जो मारिब था, ये जो डैम था, वो टूट गया और यहाँ पर बहुत जबरदस्त किस्म का सैलाब आया। बहुत बड़ा, इतना जबरदस्त सैलाब आया कि बस्तियां के बस्तियां तबाह हो गई और वीरान हो गई। इसी का जिक्र अल्लाह ताला कुरान में सूरह सबा में फरमाते हैं सैले अरब के नाम से, कि इतना जबरदस्त सैलाब आया कि सभी कुछ वहां पर बह गया। फिर 523 ईस्वी में एक और संगीन हादसा पेश आया। यहाँ पर यह हुआ कि यहूदी, एक यहूदी बादशाह था जू नवास, यहूदी बादशाह जू नवास था, उसने नजरान के ईसाइयों पर बहुत जबरदस्त हमला किया और उसने ईसाइयों को अपने मजहब से हटने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन जब वो इस पर आमादा नहीं हुए तो जू नवास ने खंदकें खुदवाई और उन्हें भड़कती हुई आग में डलवा दिया। उसमें उसने ये भी नहीं सोचा कि औरतें हैं, बच्चे हैं या जो भी उम्र के लोग हैं, सभी को उठा उठाकर उसने आग की खंदकों में डलवा दिए। इसी का जिक्र अल्लाह सुबहान व ताला कुरान की सूरह बुरूज में फरमाते हैं कुतिला अस्हाबुल उखदूद। मतलब ये इतना लर्जा खेज वाकया था। अगर आप, एक किताब है सैयद कुतुब, शहीद सैयद कुतुब की किताब है कुरानी मनाजिर, अगर आप इस मंजर को पढ़ना चाहते हैं तो उस किताब में से पढ़िए। उन्होंने उस मंजर को विजुअलाइज किया है कि किस तरह से खंदकें खुदी और किस तरह से आग के शोले भड़काए गए और किस तरह से अहले ईमान को उसमें डाल दिया गया। तो ये एक ऐसा वाकया था जो बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया था। उस वक्त ये वाकया पेश आया और फिर ऐसा हुआ कि इन लोगों, मतलब इन लोगों ने काफी एक बड़ा हिस्सा अपने उसमें ले लिया। लेकिन इसी वक्त में, मतलब थोड़े ही वक्त में, यहाँ पर इसके पास में ईसाई, सबसे बड़ी ईसाई हुकूमत कौन सी थी? रोमन्स जो थे वो भी ईसाई ही थे। तो ईसाई लोग इनसे मतलब बदला लेने के लिए, इनसे इंतकाम लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। और जो रोम के जो ईसाई थे, उन्होंने सबसे, मतलब बहुत मौके की तलाश में रहे और आखिरकार उन्होंने हबशियों को इस बात पे आमादा किया कि वो यमन पर हमला कर दें। तो हबशियों ने 525 ईस्वी में अरियात की कयादत में 70,000 फौज के साथ यमन पर दोबारा कब्जा कर लिया। और जो ये शुरू में अरियाद जो था, वही शाह अफशा का गवर्नर बनकर यहाँ पर उसने हुकूमत कायम की, लेकिन उसकी फौज के एक कमांडर अब्रहा ने उसे कत्ल करके खुद उसकी जगह पर गवर्नर बन गया। और ये वही अब्रहा है जिसने खाने काबा को ढाने की कोशिश की और एक बहुत बड़ा लश्कर जिसमें हाथी भी शामिल थे लेकर खाने काबा के ऊपर चढ़ाई कर दी। और इसी, यही वाकया जो है वो जो वाकया फील है वो वाला वाकया यहीं पर है। अब हमको पता चला कि यहाँ पर अब क्या, किसकी हुकूमत हो गई है, कौन पावर में आ गए? हबशी जो है वो पावर में थे इस वक्त यहाँ पर। लेकिन इस वाकये फील के बाद में ये हुआ कि उनमें भी अफरा तफरी मच गई और उनमें भी बहुत ज्यादा ऐसा सब अफरा तफरी हो गई थी। फिर इसी वक्त में, जब ये सब चल रहा था, इसी वक्त में जो हिजाज की लोग थे यहाँ, जहां पर इस, जो मक्का मदीना वगैरह जो ये वाला पूरा बेल्ट है, इसमें इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे, आपको पता है कि इसको पूरा आबादी इस्माइल अलैहिस्सलाम ने किया था और इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 137 साल थी और वो हमेशा मक्का के जो सरबरा और बैतुल्ला के मुतवल्ली वही रहे, जब तक वो थे तब तक वही थे। लेकिन उसके बाद में, जैसे मैंने आपको बताया कि इस्माइल सलाम की औलाद में कैदार बिन इस्माइल का जिक्र बहुत मिलता है, तो फिर उनके दो बेटे थे नाबित और कैदार, इन दोनों में मतलब ये दोनों वापस मंजर आम पे आए और फिर दो कबीले बने और इस तरह से नीचे उतरते उतरते बहुत सारे कबीले बन गए। इंशाल्लाह जिस कबीले का जिक्र आता जाएगा मैं आपको उसकी डिटेल भी देती जाऊंगी। फिर उसके बाद जो मक्का में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो जुरहम कबीले से उनका ताल्लुक था और मक्का में जुरहम वालों की हुकूमत कायम हो गई।
अब लेकिन जुर्हम वालों में भी जैसे जैसे लोग बढ़ते गए और अलग अलग कबीले होते गए, अलग अलग खानदान बढ़ते गए, उनमें आपस में खाना जंगी हो गई और हालात यहाँ तक खराब हो गए कि जुर्हम को उधर से निकलकर भागना पड़ा। जुर्हम कबीले ने मक्का छोड़ते वक्त ये किया कि जो जमजम का कुआं था उसे बंद कर दिया, उसको पाड़ दिया जमजम के कुएं को। आपको पता है जब आप आगे पढ़ेंगे तो जब अब्दुल मुत्तलिब ने वापस से जमजम को खोला था तो यही बात थी ना कि जुर्हम जाते वक्त अब उस जमजम को फाट कर चले गए थे, बंद करके चले गए थे। और सिर्फ जमजम को बंद नहीं किया था उन्होंने, बल्कि उसमें जितनी भी तारीखी चीजें थी, जो बैतुल्ला में थी जितनी भी तारीखी चीजें, वो भी उसमें डालकर उसके निशान भी मिटा दिए थे। मोहम्मद बिन इसहाक जो है वो कहते हैं, उमरू बिन हारिस बिन मजाज ने ये किया कि खाने काबा के दोनों हिरन और उसके कोने में लगा हुआ पत्थर, हजरे अस्वद, सब कुछ निकाल कर उस जमजम के कुएं में दफन किया और अपने कबीले बनू जुरहम को लेकर वापस यमन चला गया। यमन से ही आए थे, वापस यमन की तरफ लौट गए। इनके जाने के बाद मक्का में बनू खुजा करके एक कबीला था, उनकी हुकूमत कायम हो गई और ये हुकूमत तकरीबन 300 साल तक कायम रही। और बनू खुजा में, और फिर उसके बाद में कुरैश पावर में आए और बनू खुजा और कुरैश के दरमियान इक्तदार के लिए जंग शुरू हुई। अब देखिए, ये तो थे कि वहां के जो पॉलिटिकल हालात और जो जिस किस्म का माहौल था वो था। अब यहाँ पर मैं इंशाल्लाह आपको अरब के जो अदियान वो मजाहिब है उनके बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, जो अरब का मेन जो दीन था वो दीने इब्राहिमी था, है ना। मक्का का जो मेन असल दीन था वो दीने इब्राहिमी था। मक्का में आज भी, मतलब तकरीबन जो भी जितना भी वक्त गुजरा था, लोग एक तौहीद पर कायम थे उस वक्त पर। और उनके अंदर कुछ मिलावटें हो गई थी लेकिन फिर भी बेसिकली दीने इब्राहिमी था। फिर एक सवाल पैदा हुआ कि फिर ये शिर्क आया कहाँ से, और ये जो इतने बुत, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का किया है तो खाने काबा में जो 360 बुत निकले हैं वो आए कहाँ से, है ना। ये एक सवाल है कि सब हुआ कैसे। तो इसके लिए सबसे पहली बात ये है कि ये जो बनू खुजा था इनका सरदार जो था उमरू बिन लुही, ये जो आदमी था ये मतलब बहुत, उसे लोग बहुत समझदार समझते थे। वो बहुत ज्यादा सदका खैरात करता था, लोगों का बहुत ध्यान रखता था और जो लोगों के बीच में जो फलाही और नेकी के काम होते हैं उस किस्म के काम किया करता था, तो लोग उससे बहुत मोहब्बत करते थे। यानी उसके, लोगों की नजर में उसकी बहुत ज्यादा इज्जत थी और वो लोग समझते थे कि ये बहुत ज्यादा समझदार आदमी है। एक बार ऐसा हुआ कि ये शख्स शाम के सफर पर गया, उसने शाम की तरफ एक सफर किया। वहां पर उसने देखा कि बुतों की पूजा हो रही है। शाम में कौन लोग रहते थे, मैंने आपको बताया था कि शाम में जो प्योर अरब थे वो वहीं से आए थे। तो उसने शाम की तरफ जब सफर किया, वहां पे अमालिकी रहते थे और अमालिकियों के बारे में हमको पता है कि अमालिकी जो थे वो बहुत लंबे चौड़े, बहुत ऊंचे पूरे, और उनके यहाँ पे बहुत ज्यादा पैदावार होती थी, बहुत गल्ला होता था, वो बहुत ज्यादा वेल ऑफ लोग थे। तो जब इसने, उमरू बिन लुही ने देखा कि ये लोग इतने अच्छे हैं, अल्लाह ने इन पे इतनी रहमतें की है, तो उसने सोचा कि ऐसा इस बुत की वजह से है, क्योंकि ये बुत की परस्तिश कर रहे हैं इसलिए अल्लाह ने इनको इतना नवाजा। तो उसने उन लोगों से कहा कि भाई हमें भी एक बुत दे दीजिए, और उन लोगों ने उनको हुबल दे दिया, लुही को उन लोगों ने हुबल दे दिया अपने पास से। और इस बुत को लेकर वो वापस आया और उसने लाके उसे खाने काबा में नस्ब कर दिया। यानी खाने काबा में पहला बुत रखने वाला कौन था, यही उमरू बिन लुही था। इसने लाके खाने काबा में सबसे पहला बुत रख दिया और फिर वहीं से शिर्क और बिदत की शुरुआत हो गई। और देखिए, जो अरब मक्का के लोग थे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोगों में बहुत पॉपुलर आदमी था, तो उस लोगों ने देखा कि अच्छा ये काम कर रहा है तो हमें भी ये काम करना चाहिए, तो सारे उसके पीछे पीछे चल पड़े। फिर हुबल के अलावा भी जो इधर थे तीन और बुत थे जो भी बहुत फेमस बुत थे और बहुत कदीम भी थे। इनके बारे में ये है कि इसको, इन लोगों को लाने वाला भी, इन तीन बुतों को भी लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस करवाने वाला यही शख्स उमरू बिन लुही था। इसने ये किया कि इसने लोगों से कहा कि मुझे किसी ने आकर खबर दी है, किसी गैब से मुझे खबर आई है कि जिद्दा में एक जगह पर कुछ बुत दफन हैं जिनकी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा वो अच्छे हैं। और उसने उन बुतों को, जो नूह अलैहिस्सलाम के बाद में शैतान इब्लीस ने खुद ने आकर जो बुत बनाए थे, वद यऊस यऊक वगैरह, उनसे
उनको जोड़ दिया, यानी ये वो वाले बुत हैं। और उसने लाकर लात दे दी, उसने लात लाकर दे दी है जो रेड सी के पास उदैद करके जो कबीला था उधर लाकर रख दिया। ताइफ में उसने लात नामी लाके रख दिया, मनात को कुदैद में रख दिया, ताइफ में लात को रख दिया और नखला में उज्जा को रख दिया। यानी कि तीन बुत और कायम हो गए, एक तो हुबल था सबसे बड़ा, उसके बाद लात, मनात और उज्जा, ये तीन भी बुत आ गए। और ये सारे लोग मतलब इन सब और भी बाकी छोटे छोटे बहुत सारे बना लिए, हर कबीले जो भी आता था हज के लिए उनको एक गिफ्ट में एक बुत दे दिया जाता था। तो इस तरह से बुत परस्ती वहां पर आम रिवाज पा गई। एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में मैंने एक शख्स को देखा जिसका पेट चाक था और उसकी आंतें नीचे गिरी हुई थी और वो उन आंतों के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। आपको पता ये शख्स कौन था? ये यही उमरू बिन लुही था जो इतने अजाब में मुब्तला है। और इस तरह से अल्लाह सुभान व तआला ने, और इसी ने सबसे पहले शिर्क की और बिदत की शुरुआत की थी। फिर इसके बाद में इनके यहाँ पर बहुत सारे जाहिली जो काम थे वो खाने काबा में वो लोग किया करते थे। जैसे कि एक इनके पास ये था कि इन बुतों के साथ में ये करते थे कि वहां पर मुजावर बन के बैठ जाते थे, बुतों के मुजावर बन के वहीं पर एतकाफ कर लिया करते थे, उनके पास ही रह जाते थे। दूसरा काम ये करते थे उन बुतों के साथ में कि अब उन्होंने खाने काबा से ज्यादा बुतों की तवाफ और उनको सजदा और उनके सामने हाथ बांध के खड़े होने को दीन समझ लिया था। तीसरा, बुतों के साथ ये लोग ये करते थे कि उनके लिए नजराने और कुर्बानियां पेश करते थे। इसी के बारे में अल्लाह सुभान व तआला ने फरमाया ना, वमा जुबिहा अलन नुसूब, यानी कि तुम पे वो भी जानवर हराम किए हैं जो आस्तानों पर जिबा होते हैं। वो एक तो काम ये करते थे कि बुत के पास ही जिबा कर देते थे और एक कहीं और ले जाकर आस्तानों पर भी बुतों के नाम से ही जिबा करते थे। इन सब चीजों को अल्लाह सुबहान व ताला ने हराम किया। चौथा काम ये बुतों के लिए ये भी करते थे कि अपनी इस्तेताक के मुताबिक अपने खाने पीने और पैदावार में से उनके नाम पे कुछ करते थे। इसी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो भी चीज अल्लाह के लिए ये लोग अल्लाह ने इन्हें दी है उसमें से वो बुतों का हिस्सा निकालते हैं। फिर बुतों के बारे में इनका एक तरीका ये भी था कि ये अपनी खेती और चौपायों में नजर मानते थे, यानी अगर इनमें बरकत होगी तो इसका ये हिस्सा हम अपने बुतों पर चढ़ा दिया करेंगे। इस तरह से इनके यहाँ पे और भी बहुत सारे जो चीजें थी जो इन्होंने बुतों के लिए मखसूस कर रखी थी। अच्छा, एक और हदीस है, बुखारी की हदीस है कि जो उमरू बिन लोही था वही पहला शख्स है जिसने बुतों के नाम पर जानवर छोड़े। अल्लाह हू अकबर, मतलब ये काम की भी शुरुआत इसी शख्स ने की थी। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम उनकी इबादत महज इसलिए कर रहे हैं, मतलब उन लोग ये कहते थे, उनके रीजन ये था इन बुतों को मानने का, क्योंकि उन लोग ये जानते थे कि इस घर, इस बैतुल्ला का मालिक अल्लाह ही है, उनको ये बात पता थी। लेकिन इन बुतों की परस्तिश करने की वजह यह है कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि वो मुशरिकीन कहते हैं हम इन बुतों की इबादत महज इसलिए कर रहे हैं कि वो हमें अल्लाह के करीब कर देंगे। तो एक तो इनका ये सारी इनके अंदर खुराफात पैदा हो चुकी थी। फिर दूसरा, मुशरिकीन अरब में अजलाम कहते हैं फाल के तीर, ये भी इस्तेमाल करने की इनके अंदर बहुत ज्यादा आदत थी। ये क्या करते थे इन तीरों के साथ में, ये तीन किस्म के तीर होते थे, फाल निकालते थे कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ये देना है, ये नहीं देना, इस किस्म के तीरों से फाल निकाला करते थे। फिर एक और इनके अंदर बात हुआ थी कि ये काहिनों और नुजूमियों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। काहिन किसे कहते हैं? जो पेशन गोइयां करते हैं, आने वाले हालात बताते हैं। और नुजूमी उसको कहते हैं जो तारों पे गौर करके उनकी रफ्तार और चाल के मुताबिक हालात वाकयात बताते हैं। फिर इनके अंदर नुजूमियों की खबरों को मानना बहुत आम बात था, यहाँ तक कि वो तारों और सितारों जैसे जो नक्षत्रों पे भरोसा करना होता है ना कि यहाँ से इससे फायदा हो जाएगा, उससे फायदा हो जाएगा, इस किस्म की बातें भी उनके यहाँ पर बहुत आम थी। फिर उनके यहाँ पे ये बात भी बहुत आम थी, बदशगुनी, यानी कि अगर कोई लोग ऐसा करते थे कि भागते थे, कोई चिड़िया या कोई हिरन वगैरह होता था, अगर वो सीधे हाथ पे चला जाता तो वो अच्छा शगुन माना जाता, अगर वो उल्टे हाथ पे चला जाता तो बदशगुनी मानी जाती और उस काम को छोड़ दिया जाता था। इस तरह से अगर कोई जानवर रास्ता काट जाए
वो उनके लिए बदशगुनी हो जाती थी, या फिर वो लोग अपने घरों के दरवाजों पे वगैरह पे खरगोश की हड्डी या किसी और जानवर की हड्डी, पंजे वगैरह टंगा दिया करते थे। फिर वो लोग कुछ दिनों को, महीनों को, जानवरों को, घरों को, औरतों को, बहुत सारी ऐसी चीजों को मनहूस समझते थे। फिर बीमारियों में छूतछात और ये सारी चीजें उनके यहाँ पे बहुत आम थी। यहाँ तक के वो लोग ये भी समझते थे कि अगर किसी को नाहक मार दिया जाए, यानी कि किसी के ऊपर जुल्म करके उसको मार दिया जाए, तो उसकी रूह भटकती है जब तक कि उसका बदला नहीं ले लिया जाए। यानी इस किस्म की खुराफात उनके यहाँ पे आम हो चुकी थी, ऐसी बातें उनके यहाँ पे आम थी। जब मैं ये पढ़ रही थी, ये सारा पढ़ रही थी, तो मुझे एहसास हो रहा था कि ये तो उस वक्त की जाहिली दौर की बातें नहीं है, हमारे यहाँ पे भी तो ये बातें बहुत ज्यादा अब मतलब रास्ता पा चुकी है, बहुत सारे लोग इस बात में बिलीव करते हैं। इन हालात में अल्लाह सुबहान व तआला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था। फिर जो कुरैश थे, क्योंकि वो थोड़े मतलब ऐसे लोग थे, कुरैश जो कबीला था वो ऐसा था जिसमें मक्का में उन सारे लोगों पे उनको थोड़ी सुपियोरिटी हासिल थी, वो थोड़े अच्छे लोग थे, अशराफ में से थे, तो उनके अंदर भी बहुत सारी बिदतें थी। वो लोग ऐसा करते थे, उनकी खास कुछ अलग किस्म की बिदतें थी। वो ये समझते थे कि हम, क्योंकि अल्लाह तआला ने हमको कावा खाने काबा का मुतवल्ली बनाया है, तो हम आम लोगों की तरह नहीं है, बल्कि हमारे हुकूक भी अलग हैं और हमारा मर्तबा भी अलग है। ये वही बात तो है ना जो उन्होंने कही थी, यहूदियों ने कहा था, बनी इसराइल ने कहा था। तो उसी तरह के वाक्यात, उसी तरह की बातें उनके अंदर भी आम थी। वो अपने आप को दूसरे लोगों से सुपीरियर समझते थे। फिर उनका जो हज करने का तरीका था, आम लोग तो इस तरह से हज किया करते थे कि मक्का में आते और फिर मुजदलफा से मीना की तरफ सफर करते थे। लेकिन ये लोग कहते थे, क्योंकि हम तो यहाँ के ही मुतवल्ली हैं, तो हमें मुजदलफा जाने की जरूरत नहीं है, हम मीना से ही हज कर लिया करेंगे। और भी हज के दिनों में इन लोगों ने अपने लिए बहुत सारी अलग अलग बातें इजाद कर रखी थी। फिर एक और बात ये थी कि जो भी बाहर का जो हाजी आता था, बाहर से जो भी हाजी आता था, उसके लिए जरूरी था कि वो पहला तवाफ करने के लिए कुरैश से अपना कपड़ा हासिल करे। कुरैश से सबसे पहले आने के टाइम, बाहर से आने वाले लोग, उन लोग से कपड़ा ले और उन कपड़ों में तवाफ वगैरह करें, एहराम उन लोगों से लें। तो ऐसा होता, अगर किसी को कपड़ा नहीं मिलता था, कभी कभी ऐसा होता था कि कोई कपड़ा हासिल नहीं भी कर पाता था, तो जो मर्द हजरात होते थे वो पूरा पूरा कपड़ा निकाल के और नंगे होकर, और जो औरतें होती थी वो पूरा कपड़ा निकाल कर सिर्फ एक छोटे से कुर्ते के अंदर, जो खुला भी होता था, मतलब जो खुला कुर्ता होता था, उसमें वो तवाफ करती थी। यानी कि बिल्कुल ही अजीब किस्म के हालात हो गए थे। और अगर मान लीजिए, अगर एक तरीका ये भी था कि कोई बाहर से आता था और वो बहुत ज्यादा मतलब मौजिज होता था और बहुत ज्यादा अलग मतलब जिनका खानदान वगैरह का वो होता था, तो वो ये करते थे कि अपने उन्हीं कपड़ों में तवाफ वगैरह कर लिया करते थे, और जिन कपड़ों में उन्होंने तवाफ किया है उसे वो फिर ना खुद इस्तेमाल करते थे ना कोई और इस्तेमाल कर सकता था, बस उसे कपड़े को फेंक दिया जाता था। ये बुखारी की हदीस है। इस तरह से कुरैश ने भी अपनी बहुत सारे चीजें बनाकर रखी थी। फिर देखिए कि इधर यहाँ पर ये तो सारे जो जाहिल हैं और जिन लोगों के पास में, जिन्होंने शिर्क किया है और इस किस्म के लोग हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम अदयान के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आके यहूदी भी बस चुके थे। और यहूदियों का भी दो दो अदवार हैं यहूदियों के भी। सबसे पहला दौर वो था जब के फलस्तीन में आशूर और बाबुल की हुकूमत कायम हुई। उन लोगों ने, आशूरियों ने, जो ये बख्त नजर का जो वाकया है, बख्त नसर का जो वाकया है, ये आशूरी ही था। इसने बहुत बुरी तरह से यहूदियों को मारा, उनकी बस्तियां तबाह कर दी और हेकल बर्बाद कर दी और यहूदियों को जिला वतन कर दिया। तो यहूदी वहां से भागकर फलस्तीन से हिजाज में आ गए, यानी कि जो नॉर्थ साइड थी हिजाज की, वहां पर आकर बस गए। दूसरा दौर जब शुरू हुआ, जब रूमी टाइटस, इसने 70 ईस्वी में फलस्तीन पर हमला किया, इसने भी यहूदियों को बहुत बुरी तरह से मारा, उनकी हेकल बर्बाद कर दी। इसके नतीजे में यहूदी एक बार और उन लोगों ने हिजरत की और यसरिब, खैबर, तैमा की जगह पर आकर यहूदियों ने बाकायदा अपनी बस्तियां बना ली। इतना ज्यादा उन लोग उस वक्त इतने अच्छे से उन लोग सेटल हुए वहां पे कि उन लोगों ने अपने किले, अपनी गड़ियां वगैरह, मतलब बाकायदा पूरे अपने शहर बसा लिए उन लोगों ने। जब आप आगे चलेंगे तो आप पढ़ेंगे खैबर जो था वो उन लोग यहूदियों का पूरा एक गढ़ था खैबर। तो इस तरह से आकर वो वहां पर बस गए। और जो
काबिले जिक्र इनके जो कबीले थे वो पांच कबीले थे, पहले तो खैबर वाला ही था, फिर नजीर, मुस्तलिक, कुरैजा और कैनुका। बनु नजीर, बनु मुस्तलिक, बनु कुरैजा और बनु कैनुका, और खैबर में एक कबीला। तो ये पांच कबीले जो थे, जो अब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ेंगे, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए तब इन लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना हुआ। फिर ये हुआ कि जो यहूद थे ये तो यहाँ पर हिजाज में भी रहे और इन्होंने यमन में भी अपने पैर फैलाना शुरू कर दिए। तो यमन में भी इनका बहुत ज्यादा हुआ, बोलबाला हुआ। और जो मैंने आपको भी बताया था यूसुफ जू नवाज का जो वाकया है, जो उसने खंदकें खुदवाकर नजरान के ईसाइयों को डाला है, वो इसी वक्त का वाकया है। जब ये लोग पावर में आए तो इन्होंने क्या किया, जैसे ईसाइयों ने इनको इनके घरों से निकाला था, इन्होंने ईसाइयों के ऊपर हमला कर दिया। और इस तरह से अक्टूबर 523 में ये वाकया खंदक वाला पेश आया। और ईसाइयत का जहां तक ताल्लुक है, तो इन लोगों का इस मजहब का जो अरब में दाखला ऐसे हुआ कि जो हबशी और रोमी थे उन लोगों ने आकर यहाँ पर 340 ईस्वी में, 340 ईस्वी से लेकर 378 ईस्वी तक इन लोगों ने अपनी हुकूमत को कायम रखा। जो ये जो सारा जू नवास ने जो ये वाकया किया था खंदक खोद के और जो लोगों के साथ किया था इन लोगों ने, तो फिर वापस से अब्राहा के जरिए इनके ऊपर वापस से हबशियों की हुकूमत कायम हो गई। फिर जो चौथा जो मजहब था यहाँ पर वो मजूसी थे। मजूसी जो पर्शियन लोग थे उनका जो मजहब था वो यहाँ पर था, और ये सिर्फ कोस्टल एरियाज में, जो इराक, बहरेन वगैरह जो जगह हैं, इस तरफ ये वाला मजहब था। फिर पांचवा जो था वो साबी थे। साबी जो थे ये भी इराक और इधर जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो जगह थी उधर के ही लोग थे, और इनका कुछ भी हमें ज्यादा डिटेल नहीं मिलती है, क्योंकि जो कुछ बहुत खुदाई वगैरह में जो खुतबे वगैरह मिले हैं उनसे पता चलता है कि ये थे लोग, लेकिन इनकी ज्यादा डिटेल नहीं पता चलती है कि किस किस्म के लोग थे, क्योंकि ये बिल्कुल ही खत्म हो गए। मैंने आपको जो अरबी की, अरबों की तीन किस्में बताई थी, उसमें जो पहली किस्म थी एक्सटिंक्ट अरब, वो ये वाले लोग थे साबी, ठीक है। फिर उनके दीनी हालात ऐसे थे कि देखिए इतने सारे मजाहिब तो थे, लेकिन इन मजहब, ये बिल्कुल इनकी बुनियादें कुछ नहीं थी बल्कि खोखले मजहब थे। इसमें ऐसा था कि मतलब अपने दीन में ही, अपने दीन से ही वो बहुत कोसों दूर थे। आप अगर देखिए दीन इब्राहिमी जो जो कुरैश वगैरह को और जो मक्का वालों को अपने जिस बात पे वो था कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, तो उनकी उनके अंदर शिर्क इतना आम हो चुका था कि उसकी पूरी बुनियादें उन्होंने हिलाकर रख दी थी। फिर दूसरे जो यहूदी थे उनका हाल ये था कि वो सिर्फ रियाकारी में मुब्तिला थे। यहूदी पेशवा अल्लाह से ज्यादा अपने हुक्म को और अपनी दुकान को ज्यादा चमकाना चाह रहे थे। वो क्या करते थे, हर जगह अपनी मर्जी चलाते थे। अगर किसी के दिल में कोई ख्याल गुजरा है या किसी ने खाली जबान को हरकत दी है तो वो उसकी पकड़ कर लिया करते थे। और उसमें भी उनका क्राइटेरिया ये था कि आदमी का सोशल स्टेटस क्या है। अगर कोई काबिर में से है, शुरफा में से है, पैसे वाला है, तो उसके लिए अलग कानून है, और जो नीचे वाले लोग हैं उनके लिए अलग कानून है। तो उन्होंने भी सिर्फ अपने खजाने भरने के लिए अपने दीन को अपने खजानों तक महदूद कर लिया था, और खुद ही दीन के ठेकेदार बनकर बैठ गए थे। मतलब उससे भी उन्होंने अपने दीन को, शरीयत को बिल्कुल भुला के रख दिया था। फिर ईसाइयत भी थी, लेकिन ईसाइयत की भी हालत ये थी कि ईसाइयों ने जो उनके अंदर एक इस किस्म की बुत परस्ती आ गई थी कि अल्लाह और इंसान को उन्होंने खलत मलत करके रख दिया था। मतलब वो खुद को पता नहीं चल रहा था कि हम बोल क्या रहे हैं। तो ऐसे हालात में जबकि अरबियों ने ईसाइयत को कबूल किया, लेकिन फिर भी ये उनके मिजाज के मुताबिक चीज नहीं थी। ये ऐसी बात नहीं थी जिसे वो आराम से निगल लेते, तो उसको भी उन लोगों ने मतलब बहुत ज्यादा कबूल नहीं किया। फिर देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तक पहुंचने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उनका जो आपस में समाजी जो उनका रहन सहन था उसके बारे में भी बताना चाहती हूँ कि वो किस किस्म का जाहिली माशरा था। देखिए इज्तिमाई तौर पर वो बहुत ही अजीब हालात थे उनके। उनके अंदर एक तो सबसे पहले एक जो तबका अशरफा था, सबसे ऊपर वाला जो तबका था, वो बहुत ज्यादा, उसके हालात इतने अच्छे थे कि उसकी जो औरतें थी उनको भी बहुत सारे मतलब राइट्स हासिल थे, और उनको बहुत सारी, उनकी बहुत बात मानी जाती थी, और उनको उनका बहुत एहतराम और तहफ्फुज़ किया जाता था, इतना ज्यादा कि उनकी बातों के ऊपर तलवारें तक निकल जाया करती थी। सबसे पहले तो वो लोग थे। फिर एक थे जो तिजारत करने वाले थे,
ताजिर थे और उसके बाद में गुलामों वाला तबका था। इंशाल्लाह वो धीरे धीरे सबकी डिटेल आती रहेगी, लेकिन थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि जो इनका सबसे ज्यादा, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक जो था और आप की जितनी भी बीवियां थी उन सबका ताल्लुक जो था ये अशरफा में से थी, मतलब उनके ही खानदान से, जो बहुत अच्छी इलीट क्लास थी उसमें से थे वो लोग। तो ये हुआ कि हाँ, मैं आपको बताती कि औरतें, इतनी ज्यादा औरतों की बात चलती थी, इतना ज्यादा वो मतलब उनको इतना एहतराम और इतना पावर था उनके पास में कि अगर वो चाहती तो सारे कबाइल को इकट्ठा करके उनकी सुलह करवा देती, और अगर वो चाहती तो सारे लोगों को आपस में, सारे कबीलों को आपस में लड़वा देती और खूनरेजी करवा देती। यानी इतना ज्यादा उनको उन लोगों ने एहतराम से रखा था। लेकिन फिर भी आखिर ये बात थी कि खानदान का सरबराह जो होता था वो शौहर ही होता था, आदमी ही होता था, इस बात में कोई भी मतलब वो नहीं था। फिर ये है कि वहां पर जो खानदानी निजाम था वो बहुत मजबूत था, लेकिन उस उधर निकाह के कुछ अजीब अजीब तरीके राइज थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह कहती है कि निकाह का एक तरीका, जो सबसे पहला तरीका था, वो तो ये था कि जो जो भी निकी जिससे निकाह करना चाहता तो उसके वली को रिश्ता देता और फिर उस लड़की को मेहर के बदले में निकाह कर दिया जाता। बाकी तीन तरीके और भी थे, लेकिन वो उन तरीकों को बदकारी और फहाशी के अलावा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मतलब बहुत अजीब किस्म के तरीके राइश थे। और दूसरी बात यह है, यहाँ पर इसमें बहुत सारी बीवियां रखना या किसी से भी, मतलब जिना, बदकारी, शराब नोशी और इस किस्म की बुराइयां वहां पे आम थी, हर हर लेवल पे थी के इस तरह की चीजें। लेकिन एक अच्छी बात उनके अंदर ये थी कि उनका खानदानी निजाम बहुत मजबूत था। यानी वो अपने कबीले के लिए, अपने भाई के लिए, अपने खानदान के लिए अपनी जान भी निछावर करने के लिए तैयार थे। चाहे कोई भी हो, अगर हमारा भाई है तो उसके खिलाफ हम लड़ लेंगे। फिर और दूसरे दूसरे जो कबीले थे उनसे भी उनका ताल्लुक इसी बेसिस पे होता था, जो हमारे भाई का दोस्त है वो हमारा दोस्त है, जो भाई का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, इस तरह से था। फिर उनके जो माली हालात थे वो ऐसे थे कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर एक छोटी छोटी सी बात के लिए, भाई के दोस्त के लिए, एक ऊंट के लिए, एक औरत के लिए वहां पर खुरेजिया हो जाती थी। पूरे पूरे सालों साल तक वो जंगे किया करते थे इस बात के लिए। तो जाहिर सी बात है, जिस जगह के ऐसे हालात हो तो फिर उनकी माली हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती, और हमेशा वो जंग के हालात में ही रहते हैं। तो उनके यहाँ पे भी यही था, जो सिर्फ चार हुरमत वाले महीने थे उसी में वो लोग तिजारत कर पाते थे और उसके अलावा नहीं कर पाते थे। जब आप आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे कि जो उकाज और जो जिल मजाज और मजीना वगैरह के जो बाजार थे वो सिर्फ इन चार महीनों में ही लगा करते थे, उसके अलावा उन लोग पूरा टाइम एक अजीब उसमें मुब्तला रहते थे। और वहां पे जो जो बिजनेस था वो भी सिर्फ दो ही चीजों का, एक तो कपड़े की बुनाई और दूसरा चमड़े का काम हुआ करता था। इन सब बुराइयों, इन सब परेशानियों, इन सब तकलीफों के बावजूद अल्लाह सुबहान व ताला ने इस कौम को पसंद किया अपना कलाम नाजिल करने के लिए। इसकी क्या वजह थी? देखिए, इसकी वजह सिर्फ एक है कि वो अखलाकी तौर पे बहुत अलग किस्म के लोग थे। उनके अंदर कुछ ऐसे खास फजीलतें थी जिसको आप देखेंगे और दंग रह जाएंगे कि ऐसे उजड़ जाहिल मुआशरे के अंदर ये बातें भी थी। सबसे पहला उनका जो वस्त था वो ये था कि वो करम व सखावत उनके अंदर बहुत ज्यादा था। वो इसमें एक दूसरे से आगे बढ़ जाने चाहते थे, करम व सखावत के अंदर। उनके हालात ऐसे थे कि अगर बहुत सर्दी है, सख्त भूख का जमाना है और उसमें भी कोई मेहमान आ जाए और उनके पास सिर्फ एक ऊंट हो जिससे उनके पूरे घर का पूरा खानदान जिस पे डिपेंड करता हो, उस मेहमान के लिए वो उस ऊंट को जिबा करके उसके सामने पेश कर दिया करते थे। यानी उनके अंदर इतना ज्यादा सखावत और उसका वो था, करम था। फिर इसी वजह से वो बड़ी बड़ी माली जिम्मेदारियां भी उठा लेते थे। जब भी उनके ऊपर जो हाजी आते थे वो हाजी उनका पूरा जो रहना, खाने का इंतजाम करना, उनके पानी का इंतजाम करना, ये सारा उनके अपने ऊपर ही था। बाहर वाले सिर्फ हज करने आते थे, ये लोग उनका खर्चा उठाते थे और उनको जो रहने वहने का इंतजाम ये लोग खुद किया करते थे। और फिर इसमें, इस मतलब इस सखावत में, इस करम में वो इतना ज्यादा आगे बढ़ गए थे कि उनके सारी शायरियों में आपको ये बात आम तौर पे दिखेगी। दूसरा उनके अंदर जो बहुत अच्छा वस्त था वो ये था कि वो वफाए अहद करते थे। जिस बात का वादा कर लेते फिर वो उस बात को
अपने ईमान का हिस्सा समझते, अपने दीन का हिस्सा समझते थे कि मतलब अब उसके बाद में, उस वादे के बाद में पूरा करने के लिए चाहे मेरी औलाद का खून बहे, मेरा खानदान घर बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, जिस बात का मैंने वादा किया है वो वादा मैं पूरा करूंगा। तीसरी क्वालिटी उनके अंदर खुददारी व इज्जत नफ्स की थी, इस पर कायम रहना वो उनके अंदर मतलब बहुत मारूफ अखलाक था उनका, कि वो अपनी खुददारी इज्जत नफ्स अपनी बहादुरी पे बहुत ज्यादा आगे थे। अगर कुछ थोड़ा सा भी उनकी इज्जत नफ्स में बात आती वो भड़क उठते थे और एकदम तलवारें निकाल कर एक दूसरे से खूनी जंगे लड़ लिया करते थे। देखिए अब जब आप आगे जाएंगे या फिर आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, आपको पता होगा हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु का कबूल इस्लाम जो है वो क्यों हुआ था, उन्होंने इस्लाम कबूल कब किया था, जब उन्हें ये पता चला था कि अबू जहल ने मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ उठाया है। तो उन्होंने क्या, जब अभी तक वो इस्लाम भी नहीं कबूल किया था उन्होंने, लेकिन सिर्फ क्योंकि मेरे भतीजे पर हाथ उठाया है तो तलवार लेकर निकल गए और अबू जहल के सर पर जाकर खड़े हो गए। तो उनकी इज्जत नफ्स और खुददारी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। फिर अजाइम की तकमील, चौथी जो चीज थी उनके अंदर वो ये थी कि जिस बात का वो इरादा कर लेते उसे वो पक्का पूरा करके ही छोड़ते थे, फिर उसके बाद में कोई भी रुकावट उन्हें रोक नहीं सकती थी। अगर वो जिस बात का इरादा कर लेते थे वो पूरा करते थे। फिर हिल व बुर्दबारी और संजीदगी, ये भी इनके यहाँ पर बहुत काबिले सफाइश खूबी थी और बहुत ज्यादा शुजात, और ये इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ये जो हिल्म और संजीदगी और बुर्दबारी थी वो थोड़ा कम लोगों के पास रह गई थी। फिर छठी चीज इनके अंदर बहुत अच्छी ये थी कि ये इनके अंदर बदवी सादगी थी, ये बाकी दुनिया की तरह बहुत आसाइश जमा करने में और बहुत ज्यादा दुनिया हासिल करने में नहीं लगे हुए थे, बल्कि ये बिल्कुल सादा से लोग थे, बिल्कुल रियाकारी बदअहदी और इन सब चीजों से बहुत पाक साफ लोग थे। मैंने आपको बताया कि ये अपने कर्म और अपनी सखावत के चक्कर में अपने घर की चीजें भी लोगों को दे दिया करते थे। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से अल्लाह सुभान व तआला ने इस कौम, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा झूठ, बहुत सारी दिखावा, बहुत सारी रियाकारी, ये सारी चीजें नहीं है ना इन सब बातों के अंदर, तो फिर अल्लाह ताला ने इसको इतना मतलब इन लोगों को इतना प्रोटेक्ट करके इतने अच्छे से अल्लाह ताला ने उन लोगों को रखा था कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अल्लाह का पैगाम सुनाया तो इन्होंने इसी इन्हीं खूबियों के साथ, यानी खुददारी, इज्जत नफ्स, वफाए अहद और इन्हीं सब चीजों के साथ में उस दीन को कबूल किया और फिर उसके लिए अपनी जानों को भी लुटा दिया। एक बार भी आप देखेंगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को कोई हुक्म दिया है तो उन लोगों ने उस चीज से कभी भी पीछे नहीं हटे। जिस बात का वादा किया, जब ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो उसके बाद में हमेशा उसी पर कायम रहे। अहद की पाबंदी, खुददारी, इज्जत नफ्सी ऐसी चीजें हैं कि ये एक बहुत कीमती जौहर था इनके अंदर और इसके बगैर कहीं पर भी अदल मुमकिन ही नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने ये सारी क्वालिटीज इन लोगों के अंदर रखी थी और उसके बाद में अल्लाह ताला ने उनके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और अपना पैगाम दिया और फिर उन लोगों ने उस पैगाम को दिल से कबूल किया। इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते, यहाँ पर हमारा टाइम खत्म हो गया है, इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते खानदान नबूवत जो है, मतलब खास तौर पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानदान है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिद हैं और जो माँ हैं और उनके जो दादा वगैरह जिनका, इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हमारा प्रॉपर स्पेशली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तैयबा है वो शुरू हो जाएगी। जज़ाकअल्लाहु खैर व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानकअल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकअल्लाहु खैर।